कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हैं वाराणसी में और आज आप लोगों को हम दिखलाने वाले हैं गंगा आरती। तो आशा करते हैं ये एपिसोड आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। चलिए हम आ गए हैं 80 घाट पे और अभी बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है गंगा आरती। आप देख सकते हैं चारों तरफ का माहौल और अब बस शुरू होने ही वाला है गंगा आरती। तो देखिए सामने एक ही
तो दोस्तों अभी थे हम वाराणसी के 80 घाट पे और देख रहे थे आप संध्या गंगा आरती। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य था, बहुत भीड़ था। यहाँ पे दो घाट है, दोनों का थोड़ा सा आपको हम दिखाएंगे। पीछे आपको, हमारे पीछे आपको दिख भी रहा है, दो जगह आरती हो रही थी, दोनों जगह का आरती आप लोग को हम दिखलाए हैं। यहाँ क्या है कि आप जो ये संध्या आरती होती है, इसमें आप यजमान भी बन सकते हैं संकल्प लेके, और आप उस दिन का सारा खर्च दे के खुद से गंगा आरती करवा सकते हैं। तो इस तरीके से लोग यहाँ गंगा आरती करवा रहे थे अपने नाम से। हर दिन कोई ना कोई एक यजमान होते हैं। तो अभी आरती ख़त्म हो गया है और हम निकल गए हैं अपनी आश्रम के ओर और धीरे धीरे हम क्या किए हैं कि अभी शहर में चूँकि काफ़ी जाम है, तो हम गंगा के किनारे 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 अपने घाट पे आके और फिर वहाँ अपने आश्रम में चले जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं गंगा के साइड से। वैसे बहुत अच्छा लगता है, सड़क पे चलने से अच्छा है इधर से चलना, ताकि गंगा मैया के बगल से गुजरने का, और यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत नाव जो कि गंगा जी में लगी हुई है, और भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस रास्ते से आ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आप 84 घाट घूम सकते हैं गंगा किनारे। तो हम आज इसी रास्ते को चुने हैं पैदल। तो अब बढ़ रहे हैं अपने आश्रम की ओर। आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे जो भी नए हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा हर एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो भाई फेसबुक के माध्यम से हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं वो भी फॉलो और लाइक करें, क्योंकि हमारा ये एपिसोड फेसबुक और यूट्यूब दोनों चैनल पे आपको मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने आश्रम की ओर।